அவன் பார்க்கறதுக்கு தான் சைலண்டா இருக்கான் சார். हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ के 5 सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने इसी टॉपिक पे 2 और वीडियोज बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये सही मूवीज पूरी तरह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, जो आपको शुरू से अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं साउथ के उन 5 सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज के बारे में। मरने के लिए आया है क्या? भाग जा वरना काट दूंगा। मरने के लिए नहीं, मारने के लिए आया हूँ। हमारी लिस्ट की 5वीं मूवी है भराते। यह 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है। हालांकि इस मूवी को IMDb की तरफ से कम रेटिंग मिली है, पर आप इस मूवी को मिस मत करना। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इस फिल्म में आपको श्री मुरली, श्री लीला, साई कुमार, दिगांत देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह फिल्म पूरी तरह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। फिल्म की स्टोरी काफी बढ़िया है और आपको पसंद जरूर आएगी। और यह फिल्म आपको YouTube पर इसी नाम से मिल जाएगी। हमने नंबर 4 पर रखा फिल्म सिंधु समावेली को। यह 2010 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है सैमी ने। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इस फिल्म में हरीश कल्याण, अमाला पॉल और करप्पू जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस फिल्म में आपको सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा और आप इस फिल्म को शुरू से अंत तक देखने पर मजबूर हो जाओगे। हमारी लिस्ट की 3री मूवी है साइलेंस। यह 2013 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है बीके प्रकाश ने। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.6 और टॉप 10 की रेटिंग मिली है और 79% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको पल्लवी पुरोहित, ममूती, अनूप मेनन और शंकर देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलर का इतना जबरदस्त डोज है कि जिस कारण से आप शुरू से अंत तक देखने पर मजबूर हो जाओगे और यह फिल्म आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। इस फिल्म को हिंदी वर्जन में सेम नेम से ही रिलीज किया गया है और आपको यह फिल्म यूट्यूब पे मिल जाएगी। अब हम पाक करते ग्रां साइलेंट आर का सर आना वह साधारण नाल कड़े थे। कंडीपा अनिके रेंड मर्डर्स नडंदर के। हमारी लिस्ट की 2री मूवी है यार इवान, जिसको हिंदी वर्जन में नाम दिया गया है कैदी नंबर 420। यह 2017 में रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज की भाषा की एक जबरदस्त ड्रामा क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है तातीनेनी सत्या ने। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 82% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इस फिल्म में आपको सचिन जोशी, ईशा गुप्ता, प्रभु, श्रीनिवास रेड्डी और धन्य बाला कृष्णा जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। यह फिल्म पूरी तरह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है, जिसे देखकर आप जरा सा भी बोर नहीं हो पाओगे और यह फिल्म आपको पसंद जरूर आएगी। यार तो पता को सकता है क्या? सर, नंगे एडिशन नो सब्ट्रैक्शन नो मारा के सर ये गोतीला सर। टीम याव लेवल के ट्रेन आ गई। हमारी लिस्ट की आखिरी और पहली मूवी है ऑपरेशन अलामलीमा। दोस्तों, यह 2017 में रिलीज हुई एक रोमांस थ्रिलर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिंपल सुनी ने। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की काफ़ी बढ़िया रेटिंग मिली है और इस फिल्म को 94% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस फिल्म में आपको श्रद्धा श्रीनाथ, ऋषि, अरुणा बलराज जैसे बढ़िया कलाकार देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में आपको थ्रिलर के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, आपको यह फिल्म पसंद जरूर आएगी। यह फिल्म आपको YouTube पर इसी नाम पर मिल जाएगी।
और आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।